बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। बात करते हैं जी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एक आम पूछा जाने वाला सवाल जो कि सबके जहन में आता है कि यार यूट्यूब चैनल बनाएं, करोड़ों कमाएं, यह हर बंदे का ख्वाब है और हर बंदा यूट्यूब चैनल बना रहा है और यूट्यूब चैनल बना के उनको लगता है कि हर महीने ना लाखों करोड़ों रुपए जो है वो आ जाएंगे और अमेरिका से जो डॉलर्स हैं ना उनके ट्रक घर पर आएंगे और हम जो है वो उनको अनलोड कर लेंगे। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने डॉलर्स मिलते हैं आपको, कितने व्यूज़ पर, 1000 व्यू हूँ, 2000 व्यू हूँ, 3000 व्यू हूँ, कितने व्यूज़ हूँ तो हमें कितने डॉलर्स मिलेंगे, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस हवाले से बेशुमार लोग वीडियोस बना रहे हैं और लोग पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि यार आपको कितने व्यूज़ पर कितने पैसे आते हैं, या ये भी पूछते हैं कि यार कितने सब्सक्राइबर हूँ या कितना वॉच टाइम हो तो कितने पैसे मिलते हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि चैनल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपका 1000 जो है वो सब्सक्राइबर होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। अब 4000 क्या है, सवाल किया जाता है, कुछ लोग पूछते हैं कि ये 4000 मिनट्स हैं, घंटे हैं, सेकंड्स हैं, व्हाटएवर क्या है ये, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि 4000 घंटे हैं। जी हाँ, 4000 आवर्स नॉट मिनट्स। तो कुछ लोग इसको मिनट्स भी समझते हैं कि 4000 मिनट पूरे करो और बस चैनल बनाओ और लाखों रुपया जो है वो डॉलर्स जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपना 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर से मेरा क्या मतलब है, मतलब कि आपने वो खरीदे ना होंगे, आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, लोग खुद आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़, 4000 घंटे यानी 4000 वॉच आवर्स नॉट मिनट्स नॉट सेकंड्स, ये 4000 घंटे होने चाहिए और ये भी आपने किसी से करवाने नहीं है बल्कि खुद ऑर्गेनिक घंटे होने चाहिए। लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हूँ, 4000 आपने इस तरह से घंटे पूरे करने हैं। उसके बाद अब अगला सवाल कि कितने पैसे आएंगे, कितने डॉलर्स आएंगे, हमें कितने व्यूज़ आएँ तो कितने डॉलर्स आएंगे। बहुत सवाल पूछते हैं लोग यार, मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, इनबॉक्स पे पूछते हैं, कमेंट्स में आके पूछते हैं कि यार कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स आप कमा रहे हो, आप तो छा गए हो, लाखों रुपए आप कमा रहे हो। तो मैं आपको बताता चलूं, अगर तो आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी पाकिस्तानी ऑडियंस है तो देन आपको 1000-2000 पर भी आपको जो है वो एक डॉलर आ जाता है। 1000-2000 व्यूज़ की बात कर रहा हूँ। और अमूमी ये देखा गया कि अगर आपका ज़्यादा चैनल पाकिस्तान में ही चलता है तो उस पर 2000 या 2500 व्यूज़ अगर आएँ तो आपको एक डॉलर मिलता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका चैनल जो है वो ज़्यादातर इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा या बाहर के ममालिक में देखा जाता है तो देन जो है वो आपको डॉलर्स की जब बरसात होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, तो आपकी आपको डॉलर्स आते हैं। लेकिन अगर आपका चैनल जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ देखा जाता है और पाकिस्तान में सिर्फ ऑडियंस है तो फिर जो है वो आपको इतने डॉलर्स नहीं मिलते, फिर आपको 2000-2500 अगर व्यूज़ हों तो उस पर सिर्फ एक डॉलर आता है। हाँ, ये मैं आपको बात बता दूँ कि कुछ आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 1000-2000 व्यूज़ पर भी और इवन 500-600 व्यूज़ पर भी आपको एक डॉलर मिल जाता है, लेकिन उसकी वजह क्या, उसकी रियलिटी क्या है कि 500-600 व्यूज़ आएँ और आपको एक डॉलर मिल जाए। जी हाँ, तो इसकी वजह यह है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग बताते नहीं, यूट्यूबर्स बताते नहीं हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ख़रीदने पड़ते हैं, बाय करने पड़ते हैं, परचेज़ करने पड़ते हैं। जब वो कीवर्ड्स आप ख़रीदेंगे, वो कीवर्ड्स आप चैनल में लगाएंगे, उन कीवर्ड्स की बेस पर आपकी वीडियोज़ जो है वो हिट होंगी तो फिर आपको जो है वो 500-600 व्यूज़ पर भी एक डॉलर मिलता है। तो ये लोग बात बताते नहीं हैं आपको, जो मैं आज आपको ये खुल के बता रहा हूँ कि 500-600 व्यूज़ पर भी एक डॉलर आता है। लेकिन हमें कंटेंट जब वो जानदार बनाना चाहिए, इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाए, ना सिर्फ इंडिया में देखा जाए, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब वो फेमस हो जाए। आपको मैं बताता चलूँ, डकी भाई की मिसाल जो है वो इसमें बेहतरीन मिसाल है, जिनका चैनल जो है वो, अब वो एक वीडियो डालते हैं, 2-3 घंटे के बाद मिलियंस में चले जाती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनका एक तो कंटेंट जो है वो फैमिली कंटेंट है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी वर्गल चीज़ नहीं है जिसको जो है वो लोग पसंद ना करते हूँ, जिस वजह से उनका चैनल ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वायरल है। जिसकी वजह से जैसे वो वीडियो जो है वो डालते हैं तो उनकी वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है और पूरे दुनिया के अंदर जो है वो चली जाती है। और यही वजह कि आज डकी भाई जो है वो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इस हवाले से मैं एक मज़ीद वीडियो भी शूट करूँगा कि कौन से यूट्यूबर्स जो है वो कितने पैसे कमा रहे हैं, डकी भाई कितने पैसे कमा रहा है, वेला मुंडा जो है वो बड़ा मशहूर है इस टाइम पर, वो कितने पैसे कमा रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि कितने व्यूज़ या कितने
मिलियन व्यूज़ पर जो है वो कितने करोड़ों रुपया ये कमा रहे हैं। तो ये थी एक बात जो कि लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि यार कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स आते हैं, जो भी यूट्यूबर हैं जो भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपको लाजमी बताऊं कि जिनके जहन में जिनके माइंड में ये क्वेरी हेजिटेशन है कि यार अगर चैनल बनाएं तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, कितने व्यूज़ आएंगे, कब पैसे मिलेंगे, 1000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो फिर हमें जो डॉलर्स हैं ना उनकी बोरियाँ जो है वो हमारा हम जो हमारे घर पर आना स्टार्ट हो जाएंगे और हम उनको अनलोड करना स्टार्ट कर दें। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर न्यू क्रिएटर्स के लिए मेरा मशवरा है कि आप बस वीडियोस बनाते जाएं, कंटेंट डालते ना, व्यूज़ के चक्कर में ना पड़ें, सब्सक्राइबर्स मत देखें और वॉच टाइम जो मत देखें, बस आप कंटेंट डालते जाएं, डेली बेस पे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा डालें। और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि आपने वीडियो बनाते रहना है, आपने वीडियो छोड़नी नहीं है। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो देन यूट्यूब जो है वो यूट्यूब के अंदर आपकी जो रिटेंशन है, यूट्यूब के अंदर जो आपका इंप्रेशन है वो पॉजिटिव जाएगा और यूट्यूब आपको लाजमी तौर पर जब ऊपर लेके आएगा। लेकिन आप जब इंटरमिटेंटली वीडियो डालेंगे, कभी आए डाल दी, एक महीने बाद डाल दी, वीडियो छोड़ दी, तो देन यूट्यूब कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करेगा और लोगों के सामने आपकी वीडियोस नहीं लेके आएगा। सो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एमबी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मजीद वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, हेजिटेशन हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। चैनल के हवाले से कोई भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछें, मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूंगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। एमबी पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।